ओम शांति। देखो विनाशकाल आएगा, विनाशकाल कैसा होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन लोग धन इकट्ठा करते हैं। मैं जब पहली बार विदेश में गया तो बहुत सारे विदेशियों ने कोई कोई अपने घर ले जाते थे, तो अपने घर में बहुत सारी पानी की बड़ी बोतलें खाली और पानी के खाली केन रखे हुए थे, समझो 50। मैंने पूछा ये क्यों रखे हो हैं यहाँ, देखो ना कि नहीं ना सोगा ना कमी में पानी रखते रहते। कई विदेशियों को ये भी बहुत नशा चढ़ता था कि जब विनाश होगा हम मधुबन में भाग आएंगे। मैं तो जानता हूँ ये तो बाबा अपने बच्चों को जरा शांत होना देने के लिए कहता है, भला करोड़ों लोग बाबू में कैसे भाग जाएंगे, रहेंगे कहाँ, पानी भी नहीं मिलेगा। सत्य क्या है, कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि पैसा बहुत काम आएगा। सबको पक्का समझ लेना चाहिए, ना धन काम आएगा ना जन काम आएगा, बाबा और अपनी स्थिति। धनवानों को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, उनका निश्चय भी डाउन होगा फटाफट। जिसने अपनी स्थिति अच्छी बनाई होगी वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, इतने वो मरेंगे नहीं, मरना तो सबको अगर जाना है, उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु होगी बिना कष्ट के। इसलिए ध्यान देना है बहुत स्थिति पर, सर्वशक्तियों पर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति पर। बाबा ने कह दिया था जिनके पास आठों शक्तियां होंगी विनाश काल में उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, और जिनके पास शक्तियों की कमी होगी उन्हें उतना ही कम मिलेगा। बहुतों के साथ ऐसा होगा, नहाने गए पानी की टंकी खाली, और जो योग्य थे उनके साथ ऐसा होगा पानी की टंकी खाली थी, नहाने गए पानी चालू हो गया। ये अंतर दिखाई देगा। जिनकी स्थिति खराब होगी वो जब सड़क पर जा रहे हैं सड़क फट जाएगी, अंदर चले जाएंगे, पर जिनकी स्थिति अच्छी होगी वो जब घर आ जाएंगे तब सड़क फटेगी। ये खूब दिखाई देगा, रोज चमत्कार होते रहेंगे कि जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई है उनका स्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है चारों ओर।